हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपचयोपचय प्रक्रियाएं। इसके पीछे दूसरे वीडियो में मैं आपको ऑक्सीकरण संख्या बता रहा था। अब हम इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालने की जो नियम है उनके बारे में हम बात करेंगे कि किसी भी पदार्थ में जो ऑक्सीकरण संख्या होगी उनके तत्वों की, उनके परमाणुओं की, उनकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे होगी, कैसे निकालेंगे, इनके नियम। पहला है, तत्वों में स्वतंत्र या असंयुक्त दशा में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। मतलब कि एक विलकित जो परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या जीरो होती है, क्योंकि उसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। अगर वो आवेशित नहीं है तो की बात है। प्रत्यक्षता H2O2Cl2, ओजोन P4S8 यानी कि फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनमें सभी में ऑक्सीकरण संख्या शून्य है। जब तक इनमें कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा तब तक ऑक्सीकरण संख्या शून्य मानी जाती है। ठीक। दूसरा, केवल एक परमाणु वाले आयनों में परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उस आयन में स्थित आवेश का मान होता है। जैसे मान लो आप सोडियम प्लस कहते हो तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या धन एक है, वैसे क्लोराइड में माइनस एक है। ऐसा जैसे देखिए, इस प्रकार सोडियम आयन की ऑक्सीकरण संख्या धन एक, मैग्नीशियम आयन की धन दो, फेरिक आयन की धन तीन, क्लोराइड आयन की माइनस एक और ऑक्सीजन आयन की माइनस दो होती है। इसके ऊपर जो चार्ज होती है वही इनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। क्षार धातु देखिए, सो सबसे पहला ग्रुप है, ऐसे अपन पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो पहला कॉलम जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऐसा लिखा हुआ है, वो सभी धातु एक धन आयन बनाते हैं। मतलब एक प्लस चार्ज, वन प्लस चार्ज होता है, इसलिए उन सभी की ऑक्सीकरण संख्या धन एक होती है। फिर आप दूसरे ग्रुप में आ जाइए, है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनमें आ जाइए तो इनके सभी के ऊपर धन दो आवेश होता है, इसलिए ये सभी के धन दो ऑक्सीकरण संख्या होती है। तीसरे ग्रुप आ जाइए जिसमें एल्यूमिनियम है तो उनमें सभी में धन तीन आवेश चढ़ता है, इसलिए वो सभी में धन तीन ऑक्सीकरण संख्या होती है। उसके बाद कार्बन वाले ग्रुप में आ जाएंगे तो कार्बन जो है अलग अलग प्रकार के पदार्थों में, अलग अलग प्रकार के अणुओं में धन चार या ऋण चार की ऑक्सीकरण संख्या बनाता है। ठीक है। उसके बाद आप नाइट्रोजन में आएंगे, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में तो वो जनरली माइनस तीन का ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, है ना। ऑक्सीजन वाले ग्रुप में माइनस दो, फ्लोरीन वाले ग्रुप में माइनस एक, और उसके बाद आता है आपका नोबल गैस। तो नोबल गैस में कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं क्योंकि कोई भी आवेश जल्दी से नहीं बनाता है। तो हर एक ग्रुप की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जिसमें वो धन या ऋण आवेश वाले आयन बनाता है और जितने भी धन या ऋण आवेश वाले आयन होते हैं वही उसके ऑक्सीकरण संख्याएं होती है। कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। जैसे आप आयरन को कहोगे तो आयरन धन दो और धन तीन, यानी फेरस और फेरिक, धन दो फेरस, धन तीन फेरिक, ये दो अवस्थाएं दिखाता है। तो इस तरह से एक से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्याएं भी हो सकती हैं अलग अलग तत्वों की। सभी क्षार धातुओं की उनके यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या धन एक होती है, जिसको अपन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम कहते हैं, उनमें सभी। तथा सभी क्षारीय मृदा धातु जो दूसरा ग्रुप है जिसमें आपका बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आता है, उनकी ऑक्सीकरण संख्या धन होती है क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्षार धातु एक इलेक्ट्रॉन देने की और क्षारीय मृदा धातु दो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए धन दो आवेश बनती है। एल्यूमिनियम में धन तीन बनता है क्योंकि वो तीन ऋण आयन देती है, तीन मतलब इलेक्ट्रॉन देती है, इसलिए
तीन ऋण आयन बनाती है, मतलब सॉरी तीन धन आयन बनाती है क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन देती है वो। ठीक है, अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस दो है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लेती है ये। हमें दो प्रकार के अपवाद मिलते हैं, पहला पेरोक्साइड तथा दूसरा सुपरऑक्साइड में। और उन यौगिकों में जहां ऑक्सीजन के परमाणु एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े होते हैं, मतलब ऑक्सीजन आपस में जुड़े हैं। अब जैसे पेरोक्साइड देखिए, ये H2O2 है, तो H2O2 कैसे बनता है? तो एक हाइड्रोजन है, सॉरी दो हाइड्रोजन है, उसके साथ ऑक्सीजन है और फिर ऑक्सीजन है, मतलब दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, मतलब दो हाइड्रोजन इनमें। और ये सुपर ऑक्साइड है, नाइट्राइड का सुपर ऑक्साइड है। अब इनमें अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के जो ऑक्सीकरण संख्या है माइनस वन है और इनमें भी माइनस वन है क्योंकि इनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी आपस में जुड़े हैं। इसलिए ये देखिए लिखा है, प्रत्येक में ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या माइनस वन है। ये सुपर ऑक्साइड नहीं है, ये नाइट्राइड का ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड अब हम देखेंगे, जैसे सुपर ऑक्साइड में KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, ये है सुपर ऑक्साइड। ठीक है, प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के लिए ऑक्सीकरण संख्या माइनस हाफ है, यहां पर माइनस हाफ हो गया 1/2। तो ये कुछ विशेष अवस्थाएं हैं जो यहां पर चूंकि एनसीईआरटी में दिया है तो नीट के लिए आपको बिल्कुल इसको याद कर लेना है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो इंफॉर्मेशन है उनको तो आपको याद रखना ही है। दूसरा अपवाद बहुत दुर्लभ है जिसमें ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनाता है तथा डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनाता है। OF2 और O2F2। अब यहां पर आप समझिए कि विद्युत ऋणता फ्लोरीन की 4 होती है और ऑक्सीजन की 3.5 होती है। तो ऑक्सीजन जब बाकी किसी भी तत्व के साथ बंध बनाती है तो ऑक्सीजन खींच लेती है, लेकिन जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बंध बनाती है तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचती है। उस अवस्था में ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ बंध बनाती है तो इलेक्ट्रॉन देती है, इसलिए प्लस में ऑक्सीकरण संख्या दिखाती है, जबकि बाकी किसी तत्व के साथ जुड़ती है तो उनसे इलेक्ट्रॉन खींचती है तो हम माइनस होती है। जैसे अभी आपने देखा अधिकांश में माइनस दो है, कुछ माइनस एक है, माइनस हाफ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रही है। लेकिन अगर फ्लोरीन के साथ बंध बनाती है तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचती है, तब यह धन का ऑक्सीकरण संख्या दिखाती है। जैसे आप यहां पर देखिए OF2, इसमें धन दो ऑक्सीकरण संख्या है और O2F2 में धन एक ऑक्सीकरण संख्या है। ये देखिए इनमें क्रमशः धन दो और धन एक ऑक्सीकरण संख्या है। क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता सिर्फ एक ही तत्व में है, वह फ्लोरीन, बाकी सभी तत्वों से ऑक्सीजन खींचती है क्योंकि बाकी सभी तत्वों से पावरफुल है और इसका पावरफुल है, इससे पावरफुल है फ्लोरीन। तो बाकी से तो ये खींचती है और माइनस दिखाती है, लेकिन इससे फ्लोरीन खींचती है तब ये प्लस दिखाती है। ये दिक्कत, यह संख्या ऑक्सीजन की आबंधन स्थिति पर निर्भर है, लेकिन यह सदैव धनात्मक ही रहती है। कब? जब यह फ्लोरीन के साथ जुड़ी होती है तब यह धनात्मक होती है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या देखिए। अब यहां पर भी अंतर आएगा कि हाइड्रोजन का जो विद्युत ऋणता है 2.1 है, तो ये अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्व के साथ जुड़ा, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तब तो ये धन एक ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। लेकिन अगर ये अपने से कम विद्युत ऋणी के साथ जुड़ता है तब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये माइनस में ऑक्सीकरण संख्या दिखाएगा, -1 ऑक्सीकरण संख्या दिखाएगा। तो अधिकांशतः यह धन एक ही दिखाता है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धन एक होती है, केवल उस दशा को छोड़कर जहां धातुएं इससे द्विअंगी यौगिक बनाती हैं।
केवल दो तत्वों वाली होगी, द्विअंकी का मतलब दो तत्वों वाली होगी। मैंने कहा ना, क्योंकि जो धातु है उनकी विद्युत ऋणता बहुत कम है, तो ज्यादातर तत्व जो है उनसे इलेक्ट्रॉन खींचते हैं जिसमें हाइड्रोजन भी शामिल है। तो अगर हाइड्रोजन किसी धातु के साथ, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके साथ अगर बंध बनाता है तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तब ये माइनस वन दिखाएगा, और नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन देता है तो भी प्लस वन दिखाता है, जैसा हमने कहा। उदाहरण के लिए लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या धन एक है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन खींच रहा है। सभी यौगिकों में फ्लोरीन की आक्सीकरण संख्या माइनस एक होती है, माइनस एक। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सभी तत्वों से ज्यादा विद्युत ऋणी है, फ्लोरीन किसी के साथ भी जुड़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इससे हमेशा उसकी माइनस वन होती है। और ऑक्सीजन की भी माइनस टू होती है अधिकांशतः, सिर्फ फ्लोरीन के केस में ही वो प्लस वन प्लस टू दिखाता है, बाकी सभी में वो माइनस टू ही दिखाता है, लेकिन फ्लोरीन तो हर जगह माइनस वन ही दिखाता है। यौगिकों में हैलाइड आयनों के अन्य हैलोजनों क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या भी माइनस वन है, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता काफी अधिक है। तो ज्यादातर अवस्था में जो हैलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनकी माइनस वन ही होती है। अब देखिए कि अगर हम ऊपर से नीचे आए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, देखिए तो ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता भी थोड़ी कम होती है, ठीक है, विद्युत ऋणता थोड़ी कम होती है। तो अगर इनमें से कोई भी दूसरे किसी तत्व के साथ बंध बनाते हैं तब तो माइनस वन दिखाएंगे, लेकिन जब ये आपस में बंध बनाएंगे तब क्या दिखाएंगे? तो जो पहले आने वाला है वो माइनस दिखाता है और बाद में आने वाला प्लस दिखाता है। जैसे कि मान लो फ्लोरीन और क्लोरीन जुड़े, तो फ्लोरीन में माइनस वन और क्लोरीन में प्लस वन आएगा, लेकिन अगर क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़े तो फिर क्लोरीन में माइनस वन और ब्रोमीन में प्लस वन आएगा, लेकिन अगर ब्रोमीन और आयोडीन जुड़े तो फिर इसमें माइनस वन और इसमें प्लस वन आता है, लाइक दिस। ये देखिए यौगिकों में हैलाइड आयनों के अन्य हैलोजनों की ऑक्सीकरण संख्या माइनस वन है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन का आयोडीन जब ऑक्सीजन से संयोजित होते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है, क्योंकि फ्लोरीन को छोड़कर के क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की जो विद्युत ऋणता है वो ऑक्सीजन से कम है, तो ऑक्सीजन भी इनसे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो इनकी धन एक होती है, बाकी किसी के साथ ऋण एक होती है, ठीक है। ऑक्सीजन भी इनसे ज्यादा पावरफुल है फ्लोरीन को छोड़ के बाकी से। जैसे ऑक्सी अम्लों तथा ऑक्सी एनायनों में, ऑक्सी अम्ल क्या है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है, और HCl है, HBr है, ऑक्सी अम्ल में ऑक्सीजन भी रहेगा, ठीक है, जैसे HOCl, HBr ऐसा भी रहेगा तो ऑक्सीजन रहेगा वहां पर। और ऑक्सी एनायनों में, एनायन कब बोलेंगे, जब वो माइनस चार्ज रहेगा तब एनायन बोलेंगे, ठीक है, प्लस चार्ज वाले केटायन होते हैं, माइनस चार्ज वाले एनायन होते हैं। यौगिक में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजीय योग शून्य ही होता है। अब देखिए कोई यौगिक है, यौगिक के ऊपर, टोटल पूरे यौगिक के ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि सभी परमाणुओं का जो ऑक्सीकरण संख्या है उनका कुल योग जीरो है, मतलब जितने धन आयन है उतने ऋण आयन भी है और टोटल योग जीरो है। लेकिन अगर उनके ऊपर होल
सबस्क्रिप्ट में, मतलब पूरे में ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है, तो फिर वो चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा। मतलब उसमें जैसे मान लो ऋण आयन का चार्ज लगा है, ऋण का चार्ज लगा है, तो टोटल में उतने ऋण ज्यादा है, या धन का चार्ज लगा है तो उतने धन ज्यादा है। हम अभी देखेंगे सबका एग्जाम्पल, आपको समझ में आएगा। तो अभी तो आप इतना समझिए, किसी यौगिक में अगर कोई टोटल चार्ज नहीं लगा है, टोटल चार्ज जीरो है, का मतलब उसके अंदर धन आयन वाले और ऋण आयन वाले बराबर है और टोटल में जीरो हो जाता है। बहुपरमाणुक आयनों में, अब देखिए बहुपरमाणुक आयन, अभी आ गया आयन, आयन का मतलब जिसके ऊपर चार्ज लगे रहेगा। जैसे मान लो Cr2O7 और इसके ऊपर मान लो 2- आप लगा देते हो, तो इसका मतलब यह है कि इसमें धन आयन की तुलना में ऋण आयन की संख्या दो ज्यादा है, इसलिए होल नंबर पे इसके 2- चार्ज ज्यादा लगा है। तो ऐसे को हम कहेंगे बहुपरमाणुक आयन। और एक परमाणुक आयन क्या होते हैं, जैसे कि क्लोराइड आयन हुआ, सोडियम आयन हुआ, ये एक परमाणुक आयन है। बहुपरमाणुक आयन इस टाइप का होता है जिसमें एक से ज्यादा परमाणु होते हैं और वो आयन बना रहता है, ऊपर में चार्ज लगा रहता है, तो बहुपरमाणुक आयन होते हैं। बहुपरमाणुक आयनों में इसके सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का बीजी योग उस आयन के आवेश के बराबर होता है। ठीक है, अब आवेश कण के ऊपर, जैसे आप देखिए यहां CO3 2- आपने लगाया है, इसका मतलब यह है कि अंदर में प्लस चार्ज जितने भी हैं उससे दो ज्यादा माइनस चार्ज है। सपोज यहां पर प्लस चार्ज एक है तो माइनस चार्ज तीन है, इसलिए टोटल में यहां पर 2- आ गया। ऐसा एक योग बता रहा हूं आपको, एक साधारण सा योग बता रहा हूं। अंदर में प्लस और माइनस चार्ज का बैलेंस कम ज्यादा होता है तो वो चार्ज ऊपर लग जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कार्बन और तीन ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण संख्याओं का योग -2 ही होगा, यही इसलिए -2 आ रहा है। नेक्स्ट नहीं है, बस हो गया। इन नियमों के अनुपालन से अणु या आयन में उपस्थित अपेक्षित इच्छित तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हमको कोई इस तरह का यौगिक दिया रहेगा तो उनके किसी भी परमाणु की हम ऑक्सीकरण संख्या को निकाल पाएंगे। यह स्पष्ट है कि धात्विक तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है तथा अधात्विक तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक या ऋणात्मक होती है। अब यहां पर समझ लीजिए कि धातुओं की अधिकांशतः ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है, लेकिन अधातुओं की धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। वो उस कंडीशन पे डिपेंड करेगी कि वो किसके साथ जुड़ी हुई है। संक्रमण धातु तत्व अनेक धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, हम देखेंगे इसमें। जैसे आयरन का मैंने कहा कि Fe2+ Fe3+ होता है, मैंगनीज का तो -1 से लेके -7 तक, सॉरी +1 से लेके +7 तक जाता है, कई ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है मैंगनीज। पहले दो वर्गों के परमाणुओं के लिए उनकी वर्ग संख्या ही उनकी उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या होगी तथा अन्य वर्गों में यहां वर्ग संख्या में 10 घटाकर होगी। ठीक है, अब वर्ग हम 1-2 ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, इनकी तो जो वर्ग संख्या है 1 है 2 है, ऐसा करके तो धन 1 धन 2 ऐसा है। बाकी का जो है हम निकालेंगे 10 में से उस वर्ग संख्या को घटा करके। इसका अर्थ यह है कि किसी तत्व के परमाणु की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या आवर्त सारणी में आवर्त में सामान्यतः बढ़ती जाती है। मतलब यह है कि आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या जनरली बढ़ती है। ठीक है, तीसरे आवर्त में ऑक्सीकरण संख्या 1 से 7 तक बढ़ती है। ठीक है,
जैसा कि हमने मैंगनीज में देखा कि सात तक रहती है, ठीक है। जैसा कि निम्नलिखित यौगिकों को तत्वों में इंगित किया गया है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। ऑक्सीकरण संख्या के स्थान पर ऑक्सीकरण अवस्था पद का प्रयोग भी कई कई बार किया जाता है। अतः CO2 में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था धन चार है, जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी है। क्यों धन चार है? क्योंकि कार्बन में से दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन ने खींचा है और इसलिए कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या धन चार है, ठीक है। इसी प्रकार ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था माइनस दो है, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन ने दो दो इलेक्ट्रॉन खींचा है कार्बन से, इसलिए उनकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस दो है। इसका तात्पर्य यह है कि तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाती है। देखिए, ये एक चार्ट बना हुआ है, इसमें किसका कितना कितना है। देखिए, जैसे वर्ग एक है और वर्ग दो है, ठीक है। इनमें आप देखिए, जैसे सोडियम है, सोडियम जब सोडियम क्लोराइड बना रहा है तो इसकी एक इलेक्ट्रॉन क्लोराइड ले रही है, क्लोरीन ले रही है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या धन एक है। वैसे दूसरे वर्ग में मैग्नीशियम है, इसके दो इलेक्ट्रॉन को मैग्नीशियम सल्फेट के द्वारा लिया जा रहा है, इसलिए इसकी धन दो है, ठीक है। अब 13 नंबर समूह को देखिए, जिसमें एल्यूमिनियम आता है। एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड में एल्यूमिनियम के तीन इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन ले लेता है, इसलिए धन तीन है। सिलिकॉन वाले ग्रुप में 14 नंबर ग्रुप में सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, इसमें से चार इलेक्ट्रॉन क्लोराइड ने लिया है, क्लोरीन ने लिया है, चार क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए धन चार है, ठीक है। फास्फोरस देखिए, ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, क्योंकि PO5 बन रहा है, देखिए P2O5 बन रहा है ना। तो इसमें देखिए चार फास्फोरस है और 10 ऑक्सीजन है। अब 10 ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन खींचा? 20 इलेक्ट्रॉन खींचा। और 20 इलेक्ट्रॉन कितने फास्फोरस से खींचा? तो चार फास्फोरस से खींचा। तो एक फास्फोरस से कितना खींचा? 5 इलेक्ट्रॉन। तो प्रत्येक फास्फोरस से 5-5 इलेक्ट्रॉन खींच लिया गया है। वैसे ही सल्फर हेक्साफ्लोराइड में आप देखिए कि सल्फर से सीधे सीधे 6 इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन ने खींच लिया है। कितना पावरफुल है फ्लोरीन आप देख सकते हैं। और HClO4 आप देखिए, इसमें क्लोरीन का खींचा गया है, क्लोरीन का। अब देखिए क्लोरीन का कैसे खींचा है, आप देखिए ऑक्सीजन है चार, इसको चाहिए 8, 8 में से एक तो मिल जाएगा इसको हाइड्रोजन से और 7 मिलेगा क्लोरीन से। तो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का खींचा है, इसलिए क्लोरीन में आ गया 7 का, 7 धनावेश, ऐसा है 7 धनावेश। तो इनको इस तरह से आप समझते जाइए। जर्मन रसायनज्ञ अल्फ्रेड स्टॉक के अनुसार यौगिकों में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्या में कोष्टक में लिखा जाता है, इसे स्टॉक संकेतन कहा जाता है। इसको जरा नाम को ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था को इस तरह से कोष्टक में 1, 2, 3 इस तरह से लिखा जाता है रोमन संख्या में, इसको अपन स्टॉक संकेतन कहते हैं, स्टॉक संकेतन कहा जाता है। जैसे कि ऑरस क्लोराइड और ऑरिक क्लोराइड, आरस में धन एक है और ऑरिक में धन तीन है, तो इसलिए इनके ऑक्सीकरण अवस्था को आप देख सकते हैं कि क्लोराइड जो है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन खींचा है, इसलिए जब आरस क्लोराइड लिखते हैं तो आरस के बाद, आरस मतलब सोना गोल्ड। देखिए जो तत्व हैं उनके नाम लैटिन में लिखे जाते हैं,
लैटिन नाम से, इसलिए उनके संकेत जो है कई बार बदल जाते हैं। जैसे सोडियम आप कहते हो तो सोडियम के लिए एन ए लिखते हो क्योंकि उसका लैटिन नाम नेट्रियम है, वैसे कैलियम पोटेशियम है ना, हाइड्रोजीनियम ये आपका मरकरी है, अर्जेंटम ये सिल्वर है यानी चांदी, और ऑरम ये गोल्ड है, प्लम्बम ये लेड है। इस तरह के नाम लैटिन में है और इसलिए उनके जो संकेत हैं वो भी उस तरह के नाम के साथ लिखे गए हैं। तो जो एयू संकेत है ये गोल्ड के लिए होता है, सोने के लिए होता है, ऑरम उससे होता है। तो यहां पर ऑरस क्लोराइड में एक है और ऑरिक क्लोराइड में तीन है, तो उसको कोष्टक के अंदर लिख दिया है। इसी प्रकार स्टेनस और स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनस में धन दो है और स्टेनिक में धन चार है, तो इनको भी हम कोष्टक में लिखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन के रूप में माना जाता है, समझ रहे हैं। जैसे आप यहां पर आप देखिए कि स्टेनस में धन दो है और स्टेनिक में धन चार है, तो ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन का मतलब है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन। यहां पर हर एक तीन स्टेनम तीन ने दो इलेक्ट्रॉन दिया है और यहां पर चार इलेक्ट्रॉन दिया है एक एक ने, ठीक है, जो यह पहचानने में भी सहायता देता है कि स्पीसीज ऑक्सीकृत अवस्था में है या अपचयित अवस्था में है, क्योंकि अगर वो धन आवेशित है तो ऑक्सीकृत अवस्था में है और ऋण आवेशित है तो अपचयित अवस्था में है। क्योंकि यहां पर आप देखिए इन सभी उदाहरणों में अगर गोल्ड के ऊपर प्लस वन है तो क्लोराइड के ऊपर माइनस वन है, तो ये ऑक्सीकृत अवस्था में है तो ये तो अपचयित है, ये तो अपचयित है ना, ये भी अपचयित है, ये भी अपचयित है, ठीक है। इसी प्रकार मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये मर्क्यूरिक है Hg2+ है यहां पर, और ये मर्क्यूरस है Hg1+ है यहां पर, ठीक है। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड, तो यहां पर मरकरी में धन दो है और यहां पर धन एक है, तो ये दोनों भी अलग अलग अवस्थाओं में हैं और इसमें भी क्लोरीन जो है अपचयित अवस्था में है। अब उदाहरण देखते हैं, स्टॉक संकेतन का उपयोग करते हैं निम्नलिखित यौगिकों को निरूपित कीजिए, ठीक है, ये H AuCl4। अब इन सभी को आप देखिए अब यहां पर लाइन से देख लेते हैं सीधा, यहां पर देखिए क्लोराइड है चार, अब इनको चार इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिलेगा और तीन इलेक्ट्रॉन गोल्ड से मिलेगा, तो गोल्ड की ऑक्सीकरण अवस्था धन तीन है, ठीक है। वैसी टाइटेनियम ऑक्साइड है, ये थैलियम ऑक्साइड लग रहा है, Tl2O2 थैलियम, तो कुल मिला के ये है कि ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब धन एक है, ठीक है। यहां पर भी यहां पर ऑक्सीजन को दो चाहिए तो ये आयरन दो दे देगा यानी धन दो आएगा, यहां पर तीन दुनी छह चाहिए तो ये दोनों तीन तीन देंगे तो धन तीन आएगा, आयोडीन को एक चाहिए कॉपर ने दे दिया एक, ऑक्सीजन को दो चाहिए कॉपर ने दे दिया दो, इसको दो चाहिए मैग्नीज दे दिया दो। अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन को चार चाहिए तो मैग्नीज दे दिया चार, देखिए यहां पर मैग्नीज का चार है, ठीक है। तो इन सभी को आप जब लिखेंगे तो उनके जो इसके आगे तीन लिख देंगे, इसके आगे दो, इसके आगे दो, ऐसा लिखते जाएंगे ना भैया। ये देखिए ना, गोल्ड के आगे तीन लिख दिया आपने, इसके आगे 1, 2, 3, 1 है ना, तो जितनी ऑक्सीकरण संख्या आती जा रही है उनको रोमन संख्या में आप उनके आगे दिखाते जाएंगे, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना तो चाहिए। तो आप कहीं पर ध्यान देंगे कि अगर आप दो चार मेन मेन तत्वों की आप
या आप कर लीजिए विद्युत ऋणता कौन ज्यादा है, जैसे फ्लोरीन है तो सबसे ज्यादा है, क्लोरीन उससे कम है, ऑक्सीजन है मतलब क्लोरीन से कम ऑक्सीजन है, तो ये खींचेंगे इलेक्ट्रॉन तो इनका माइनस रहेगा, तो उसकी तुलना में बाकी का आप वहां पर लिख दीजिए। ऑक्सीकरण संख्या के विचार का प्रयोग ऑक्सीकरण अपचयन ऑक्सीकारक अपचायक तथा अपचय अपचय अभिक्रिया को परिभाषित करने के लिए होता है। ठीक, तो हमने पहले भी आपको दिखाया है कि दो चीजें अगर जुड़ी है या कोई भी चीजें जुड़ी है तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका ऑक्सीकरण होता है और वो अपचायक की तरह काम करता है, क्योंकि खुद ऑक्सीकृत हुआ और सामने वाले का अपचयन किया इसलिए अपचायक हुआ। जो ऑक्सीकृत होता है वो अपचायक होता है और जो अपचयित होता है वो ऑक्सीकारक होता है, और ऐसे दोनों रिएक्शन को मिला के अपचय उपचय अभिक्रिया अपचय उपचय अभिक्रिया होती है। इसको मैंने पहले ही बताया है। तो ऑक्सीकरण कब होगा, जब उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। अब वृद्धि का मतलब क्या, धन संख्या में वृद्धि। जैसे मान लो धन एक है, धन दो हो गया, धन तीन हो गया, धन चार हो गया, ये वृद्धि है। अगर ये जीरो हो गया, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, तो इधर जाने पे कम हो रही है और इधर जाने पे वृद्धि हो रही है। बात को समझिए कि अगर माइनस एक से माइनस दो हुआ तो कम हुआ, माइनस दो से माइनस तीन हुआ तो कम हुआ, हाँ माइनस तीन से माइनस दो माइनस एक करे तो बढ़ रहा है। तो कुल मिला के ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ना चाहिए, यह संख्या को बढ़ना चाहिए और अपचयन में घटना चाहिए, इधर आना चाहिए, धन चार तीन दो एक जीरो माइनस वन टू थ्री फोर ऐसा कम होना चाहिए। तो दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में ह्रास होता है, कम होता है, ह्रास का मतलब कम हो जाना, ऑक्सीकरण संख्या कम हो रहा है का मतलब उसका अपचयन हो रहा है और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है का मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब जो ऑक्सीकृत हुआ वो अपचायक है और जो अपचयित हुआ वो ऑक्सीकारक है। ये देखिए ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कौन है, जो खुद अपचयित हुआ है वो ऑक्सीकारक है। वह अभिकारक जो दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि करे, क्योंकि सामने वाले के ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा रहा है मतलब उसको ऑक्सीकृत कर रहा है, इसलिए वो ऑक्सीकारक हुआ। जब उसका बढ़ाएगा तो खुद का कम होगा इसलिए खुद अपचयित होगा। तो जो अपचयित होने वाला चीज है वही ऑक्सीकारक होता है और जो ऑक्सीकृत होता है वो अपचायक होता है। देख सकते हैं परिभाषा को जरा ध्यान से समझिए कि वो अभिकारक वो चीज जो सामने वाले के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कर रहा है मतलब उसको ऑक्सीकृत कर रहा है इसलिए वो ऑक्सीकारक हो, और इनको ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। और अपचायक कौन है, वो जो उनके ऑक्सीकरण संख्या को घटाएगा। ये देखिए वह अभिकारक जो दिए गए पदार्थ में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी करे, सामने वाले के ऑक्सीकरण संख्या में कमी कर रहा है का मतलब उसको अपचयित कर रहा है का मतलब वो अपचायक हुआ, जो कर रहा है वो अपचायक हुआ लेकिन खुद क्या होगा ऑक्सीकृत होगा, इन्हें रिडक्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि जो ऑक्सीकृत हुआ वो अपचायक है और जो अपचयित हुआ वो ऑक्सीकारक है, बस फिर आपका बन जाएगा। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अभिक्रिया अपचय उपचय अभिक्रिया है। चलिए ठीक है पढ़ लेते हैं। तो ये क्या हुआ, क्यूप्रस, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये है क्यूप्रस सल्फाइड। जब आपस में काम किए तो कॉपर कॉपर आपस में मिल गए, ठीक है, और सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिल गए। तो अब ध्यान दीजिए कि इनमें क्या क्या हुआ। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए कि कॉपर यहां पर धन एक ऑक्सीकरण अवस्था में है, यहां पर भी धन एक ऑक्सीकरण अवस्था में है। अब यहां पर आप देखिए जीरो हो गया, मतलब इन दोनों में से जो कॉपर है उनकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, मतलब कॉपर का यहां पर अपचयन हुआ,
कॉपर कब चयन हुआ, ठीक। ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन यहां पर माइनस दो है, सल्फर भी यहां पर माइनस दो है। अब जब ये उधर गया तो ये अभी भी माइनस दो है और ये प्लस चार हो गया, प्लस चार। मतलब क्या हुआ कि सल्फर माइनस दो से प्लस चार हो गया, इसका मतलब कि सल्फर ऑक्सीकृत हो गया, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई। लेकिन ऑक्सीजन माइनस दो था तो अभी भी ये माइनस दो ही है, मतलब ऑक्सीजन का कुछ नहीं हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीकृत हुआ ना अपचयित हुआ। चलिए देख लीजिए कैसा है, देखिए देखिए मैंने बिल्कुल लिखा है वैसे ही लिखा है, देखिए सब कुछ एकदम सेम लिखा है ना। तो वही ये बता रहा है कि क्या क्या हुआ, कॉपर धन एक से जीरो हो गया, यहां पर भी धन एक है जीरो हो गया, इसलिए ये अपचयित हुआ। ऑक्सीजन माइनस दो था, अभी भी माइनस दो है, इसलिए इसका कुछ नहीं हुआ। सल्फर यहां पर माइनस दो से प्लस चार हो गया, तो ये ऑक्सीकृत हुआ, तो सल्फर ऑक्सीकृत हुआ, कॉपर अपचयित हुआ और ऑक्सीजन का कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे के वैसे रहा। तो चूंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों चीजें हुई है, इसलिए ये एक अपचय उपचय अभिक्रिया है, जिसमें अपचयन भी हुआ है और उपचयन भी हुआ है। उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण होता है, ये भी हुआ है, ठीक। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अभिक्रिया में कॉपर का धन एक अवस्था से शून्य ऑक्सीकरण अवस्था तक अपचयन, ये देखिए, सल्फर का माइनस दो से धन चार तक ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए उपरोक्त अभिक्रिया अपचय उपचय अभिक्रिया है। इसके अतिरिक्त कॉपर सल्फाइड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि में कॉपर यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड सहायक है, अतः कॉपर वन ऑक्सीडेंट हुआ तथा क्यूप्रस सल्फाइड का सल्फर स्वयं क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या की कमी में सहायक है, अतः क्यूप्रस सल्फाइड रिडक्टेंट हुआ। तो किसने क्या दिया, अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो वो रिडक्टेंट है और जो इलेक्ट्रॉन लिया वो ऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो इसमें यही चीजें लिखी कि उस किसने क्या क्या दिया, जो अभी मैं बताया उसके अनुसार आप समझ लीजिए कि किसने क्या दिया है और क्या लिया है, ठीक है। अब है अपचय उपचय अभिक्रियाओं के प्रारूप, कौन कौन से अभिक्रियाएं इस तरह से होती हैं। तो पहला है योग अभिक्रियाएं, ठीक। योग अभिक्रिया में क्या होता है कि दो तत्व या पदार्थ आपस में मिलकर तीसरी चीज बना लेते हैं, ये ठीक है, ऐसी को योग अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं की अपचय उपचय अभिक्रिया होने के लिए ए या बी में से एक को या दोनों को तत्व रूप में ही होना चाहिए। ऐसी सभी दहन अभिक्रियाएं जिनमें तत्व रूप में ऑक्सीजन या अन्य अभिक्रिया संपन्न होती है, तथा ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें डाइऑक्सीजन के अतिरिक्त दूसरे तत्वों का उपयोग हो रहा है, अपचय उपचय अभिक्रियाएं कहलाती है। इस श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखिए कॉपर जो है ऑक्सीजन से मिलके कार्बन है, सॉरी कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के सीओ को बना रहा है। इसमें ये जीरो था, जब जुड़ गए तो धन चार पे माइनस दो हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीजन का अपचयन हुआ। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन मिलके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाते हैं, इनमें जीरो जीरो से ये प्लस टू और माइनस थ्री में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप देखिए नाइट्रोजन जो है तीन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो तीन दूनी छह इलेक्ट्रॉन चाहिए, छह इलेक्ट्रॉन को उसने तीन मैग्नीशियम से खींचा है, इसे एक मैग्नीशियम से दो इलेक्ट्रॉन खींचा है, तो इसका ऑक्सीकरण हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। मिथेन को आप ऑक्सीजन में जलाते हो तो सीओ टू और एच टू बनता है। अब इनमें ऑक्सीकरण अवस्था देखिए, तो यहां पर कार्बन ने
चार हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो कार्बन का यहां पर माइनस चार है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, और हर एक हाइड्रोजन का धन एक है। ऑक्सीजन का तो जीरो रहेगा क्योंकि तत्व है। जब ये CO2 बनाया तो अब कार्बन माइनस चार से प्लस चार में पहुंच गया क्योंकि अब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कार्बन माइनस चार से प्लस चार में पहुंचा यानी इसका ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीजन जीरो से माइनस दो में पहुंचा इसलिए इसका अपचयन हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन को आप देखिए, हाइड्रोजन यहां भी प्लस वन में था और यहां भी प्लस वन में है इसलिए इसका कुछ नहीं हुआ है, और ऑक्सीजन जैसा मैंने कहा कि यहां पर जीरो अवस्था में था, यहां भी माइनस दो में आ गया, यहां भी माइनस दो में आ गया, तो सभी ऑक्सीजन का यहां पर अपचयन हुआ है, ठीक है। अब हमने दो चीजों को योग किया है, अब हम एक चीज को तोड़ के दो चीज बनाएंगे, उसको हम अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई चीज टूट करके दो चीजों में विभक्त हो जाती है। अपघटन का मतलब टूटना। अपघटन अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती हैं। विशुद्ध रूप से अपघटन अभिक्रियाओं के अंतर्गत यौगिक दो या अधिक भागों में विखंडित हो जाती है जिनमें कम से कम एक तत्व के रूप में होता है। इस श्रेणी की अभिक्रियाओं के उदाहरण देखिए, हम H2O को देखते हैं, H2O ब्रेक होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। अब इसमें आप जरा देखिए H2O में हाइड्रोजन धन एक और ये माइनस दो रहता है, ये दोनों जीरो जीरो में आ जाते हैं, का मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कम हो गई, का मतलब इसका अपचयन हुआ, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई इसलिए इसका ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। सोडियम हाइड्राइड में सोडियम धन एक से यहां पर जीरो आ गया और ये माइनस एक से यहां पर जीरो आ गया, तो धन एक से जीरो आया मतलब इसका अपचयन हुआ, और ये माइनस एक से जीरो आ गया यानी चढ़ गया, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। पोटेशियम क्लोरेट को आप देखिए, पोटेशियम क्लोरेट है, इसमें ये धन एक है, वहां पर धन एक ही रह गया तो इसका कुछ नहीं हुआ। क्लोराइड धन पांच था, अब क्लोराइड माइनस एक आ गया, तो सोचिए कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या बहुत घटी है तो इसका अपचयन हुआ है, और ऑक्सीजन माइनस दो था तो ये जीरो हो गया तो इसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो क्लोराइड का अपचयन हुआ और ऑक्सीजन का यहां पर ऑक्सीकरण हुआ। अगर किसी एक चीज का अपचयन होता है तो निश्चित है दूसरे चीज का ऑक्सीकरण होगा, और अगर एक चीज का ऑक्सीकरण होता है तो निश्चित है दूसरे चीज का अपचयन होगा, तो कोई ना कोई ऑक्सीकृत तो कोई ना कोई अपचयित होगा। ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि योग अभिक्रियाओं में मीथेन के हाइड्रोजन की तथा अभिक्रिया 8.28 में 8.28 ये देखिए पोटेशियम क्लोरेट टूटा है यहां पर, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट के पोटेशियम के ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि सभी अभिकरण अभिक्रियाएं अपचयोपचयन नहीं होती है। जैसे आप देखिए यहां पर कोई अभिक्रिया, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूटा, तो यहां पर आप देखिए कि अगर हम इनके ऑक्सीकरण संख्या को देखेंगे तो सभी का उतना उतना ही रह जाता है, उसके आधार पे ये ऑक्सीकरण या अपघटन अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। तो कैल्शियम की धन दो है, यहां पर भी धन दो रह गया, ठीक है। कार्बन की धन चार है, यहां पर भी धन चार रह गया, ठीक है। ऑक्सीजन की माइनस दो है और यहां पर भी माइनस दो है और यहां पर भी माइनस दो है, तो एक प्रकार से ऑक्सीकरण की संख्या को देखेंगे तो ये ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया नहीं है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि दुनिया के हर एक अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अपचयन के आधार पर हम समझ सकते हैं होते हैं करके, लेकिन इस तरह की कुछ अभिक्रियाएं जो इसके अपवाद होते हैं जिनमें कोई भी ऑक्सीकरण या अपचयन नहीं होता, किसी की भी संख्या परिवर्तित नहीं होती, तो फिर वो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में शामिल नहीं है, लेकिन अधिकांश अभिक्रियाओं में होती है, बस कुछ अपवाद स्वरूप आपको मिलेंगे जिसमें एक भी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित नहीं हुई, बहुत रेयर ऐसे कुछ उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे अपवाद स्वरूप। अब हम देखेंगे
विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है एक से निकल के दूसरे जगह चले जाना। जैसे यहां पर आप देखिए इस रिएक्शन को, x प्लस वाई जेड है, इसमें जो जेड है ये y से निकल के x के साथ विस्थापित हो जाती है। तो ये देखिए x जेड आ गया और ये y आ गया, तो ये इस प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें कोई तत्व एक से निकल के दूसरे के पास चली जाती है। विस्थापन अभिक्रियाओं में यौगिक के आयन या परमाणु दूसरे तत्व के आयन या परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। इसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, देखिए x है और y z में से z निकल के x के पास आ गया, ठीक है, और y अकेला आ गया। विस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, धातु विस्थापन तथा अधातु विस्थापन, ठीक है। तो पहला है धातु विस्थापन। इसमें क्या होता है कि कोई एक धातु किसी दूसरे धातु को किसी यौगिक से अलग कर देता है और खुद इसके जगह जुड़ जाता है। कोई यौगिक है उसमें कोई धातु जुड़ा हुआ है, अब कोई दूसरा धातु आया उसको हटा के खुद जुड़ गया, अब वो हट गया, वो विस्थापित हो गया, ऐसा। तो धातु विस्थापन में यौगिक में एक धातु दूसरी धातु को मुक्त अवस्था में विस्थापित कर सकती है, ठीक है। जैसे आपने शुरू में कॉपर के सॉल्यूशन, सिल्वर के सॉल्यूशन में आपने देखा कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से जिंक ने कॉपर को अलग कर दिया था, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से सिल्वर को अलग कर दिया था कॉपर ने, ऐसा विस्थापन अभिक्रिया है। तो पिछले खंड में देखिए, खंड उसी को लिखा है, उसी खंड में हम इस प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन कर चुके हैं। धातु विस्थापन अभिक्रियाओं का उपयोग धातु कर्मीय प्रक्रमों में अयस्कों में यौगिकों से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे आप यहां पर देखिए कि कॉपर सल्फेट से हम कॉपर को अलग करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जिंक को कॉपर की जगह घुसा देंगे और कॉपर को हम अलग निकाल देंगे। अब आप कहेंगे इससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदा यह होगा कि जो महंगी धातु है वो बाहर निकल गई और सस्ती धातु उसके जगह चली गई। कॉपर जिंक की तुलना में थोड़ी महंगी धातु है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कॉपर धन दो अवस्था में है, यहां पर जीरो अवस्था में आ गई। जिंक यहां पर जीरो अवस्था में है, यहां धन दो अवस्था में आ गई। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी अवस्था में है, ठीक है। तो यहां पर कॉपर का रिडक्शन हुआ यानी अपचयन हुआ और जिंक का ऑक्सीकरण हुआ, जिंक जो है जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ी है, देख सकते हैं जीरो से धन दो हो गई इसलिए उसकी ऑक्सीकरण हुई है, कॉपर की धन दो से जीरो हो गई इसलिए उसकी अपचयन हुई है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में आप देखिए, हम कैल्शियम डाल देते हैं तो वेनेडियम अलग हो जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, तो वेनेडियम धन पांच था अब ये जीरो हो गया यानी इसका अपचयन हो गया, कैल्शियम जीरो था ये धन दो हो गया इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो गया। टाइटेनियम क्लोराइड, इसमें टाइटेनियम का धन चार था, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराया हमने तो मैग्नीशियम उसकी जगह जुड़ के मैग्नीशियम क्लोराइड बना के धन दो हो गया और टाइटेनियम जीरो हो गया, तो इसलिए टाइटेनियम का यहां पर अपचयन हुआ, मैग्नीशियम का यहां पर ऑक्सीकरण हुआ। क्रोमियम ऑक्साइड है, क्रोमियम का धन तीन था अब जीरो हो जाएगा यहां पर, ये देखिए, और एल्यूमिनियम यहां पर जीरो था यहां पर धन तीन हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना गया। तो इन सभी रिएक्शन में आपने देखा कि एक धातु को दूसरे धातु ने रिप्लेस कर दिया है, उसको विस्थापित कर दिया है। कॉपर को जिंक ने विस्थापित किया, वेनेडियम को कैल्शियम ने विस्थापित किया, टाइटेनियम को मैग्नीशियम ने और क्रोमियम को एल्यूमिनियम ने विस्थापित किया। ऐसा इसलिए है कि इनके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इनकी तुलना में ज्यादा है, इसलिए वो उनके जगह इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और उनको मुक्त कर देते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो कॉपर की तुलना में
जिंक जो है जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए कॉपर की जगह वो इलेक्ट्रॉन दे देता है और कॉपर को मुक्त करवा देता है, ठीक है। उसी तरह से कैल्शियम की ज्यादा है वेनेडियम से, मैग्नीशियम की ज्यादा है टाइटेनियम से, और क्रोमियम से ज्यादा है एल्युमिनियम की। तो ये लोग मुक्त करा देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से देते हैं वो दूसरे को वहां से मुक्त कराने में सक्षम है। इन सभी में अपचायक धातु अपचयी धातु की अपेक्षा श्रेष्ठ अपचायक है, इसका मतलब वही है कि ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। श्रेष्ठ अपचायक का मतलब है वो उसकी तुलना में ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है। जिनकी इलेक्ट्रॉन निष्कासन क्षमता अपचयी धातु की तुलना में अधिक है, ठीक है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाते हैं। अब अधातु विस्थापन देखिए, अधातु विस्थापन अपचयोपचय अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन विस्थापन, ऑक्सीजन विस्थापन आदि दुर्लभ अभिक्रियाएं शामिल हैं। ऐसी अभिक्रियाएं दुर्लभ है कह रहा है, क्योंकि धातु के द्वारा अधातु को हटाना ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। सभी क्षार धातुएं तथा कुछ क्षारीय मृदा धातुएं जैसे कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम श्रेष्ठ रिडक्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं जो शीतल जल से हाइड्रोजन का विस्थापन कर देती हैं। अब देखिए, जैसे सोडियम को आप पानी में डालते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसलिए बहुत तेजी से अभिक्रिया होती है, आपको पता होगा। तो यहां पर सोडियम जीरो था, ये धन एक हो गया, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन धन एक था, यहां पर अभी भी धन एक है, ठीक है। ऑक्सीजन माइनस दो था, यहां पर भी माइनस दो है। तो यहां पर फिर क्या परिवर्तित हुआ, यहां पर हाइड्रोजन के कुछ एटम धन एक से धन एक ही रह गए, लेकिन कुछ जो है जीरो हो गए। मतलब आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के चार एटम है टोटल, 2H2 का मतलब है चार एटम, चार में से दो का तो वैसे ही रहा, लेकिन दो जो है धन एक से जीरो हो गए, तो इनका अपचयन हुआ, ठीक है। कैल्शियम को पानी में डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और H2 बनता है, तो यहां पर भी कैल्शियम जो है जीरो से धन दो हुआ, ठीक है। कुछ हाइड्रोजन धन एक से जीरो हुए और कुछ वैसे ही रह गए, ऑक्सीजन तो माइनस दो से माइनस दो ही रहता है, तो यहां पर कैल्शियम जो है ऑक्सीकृत हुआ है और हाइड्रोजन अपचयित हुआ है। वैसे यहां पर सोडियम ऑक्सीकृत हुआ है और हाइड्रोजन यहां पर अपचयित हुआ है। मैग्नीशियम, आयरन आदि कम सक्रिय धातुएं भाप से डाइहाइड्रोजन गैस का उत्पादन करती हैं। अब देखिए, ये कम सक्रिय धातु है मैग्नीशियम आयरन, तो इनके लिए हमको पानी को भाप बनाना पड़ेगा। अभी यहां पर एक चीज आपने ध्यान दिया कि सभी क्षार धातुएं और क्षार मृदा धातु में कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम ये शीतल जल से भी हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, मतलब शीतल जल से ठंडे जल से काम कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ही रिएक्शन जब आप मैग्नीशियम और आयरन का कराना चाहोगे तो ठंडे जल के साथ उनकी अभिक्रिया नहीं होगी, तो किनके साथ होगी, जल को गर्म करो तो गर्म करने से भी नहीं हो पाएगी, उनको भाप अवस्था में लाओ तब उसमें इतनी ऊर्जा हो पाएगी कि इनके साथ वो अभिक्रिया कर सके। तो फिर मैग्नीशियम भाप से क्रिया करके, बहुत गर्म अवस्था में क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। वैसे आयरन भी भाप से गर्म अवस्था में क्रिया करके ये जो है 3+ में आ रहा है ना, तो ये हो गया फेरिक ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन मुक्त करता है। तो इन सभी में अभिक्रियाएं वैसे ही हो रही हैं और जो धातुएं हैं वो ऑक्सीकृत हो रही हैं और हाइड्रोजन जो है अपचयित हो रही है, तो सभी में रिएक्शन लगभग वैसे ही है, वो ऑक्साइड बना रहे हैं या हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। सिर्फ इसमें आपने देखा
कि सभी तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं लेकिन ये जो आयरन है ये सिर्फ ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो बहुत सी धातुएं जो शीतल जल से क्रिया नहीं करती हैं अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। अगर ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप उनकी क्रिया अम्ल के साथ करेंगे, जैसे HCl है, H2SO4 है, तो फिर उनसे तेजी से क्रिया करते हैं वो और वहां से हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। अम्लों से डाई हाइड्रोजन उन धातुओं द्वारा उत्पादित होती है जो भाप से क्रिया नहीं करती। अब एक बात और देखिए कि यहां तक आपने देखा कि कोई ठंडे पानी से और कोई भाप से क्रिया कर रहा है, लेकिन उसके बाद वाले भी होते हैं जो भाप से भी क्रिया नहीं करते, तो फिर वो अम्ल से क्रिया करते हैं। इधर वाले तो सभी अम्ल से भी करेंगे। देखिए समझ लीजिए, जो ठंडे पानी से क्रिया करेगा वो भाप से भी क्रिया करेगा और अम्ल से भी क्रिया करेगा। जो भाप से क्रिया करता है ठंडे से नहीं करता, भाप से करता है, तो भाप से तो करता ही है फिर वो अम्ल से भी करेगा। लेकिन जो ठंडे पानी से और भाप से भी क्रिया नहीं करता वो अम्ल से क्रिया करता है। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उनकी क्रियाएं कम होती जा रही हैं, कोई ठंडे से, भाप से, अम्ल से, तीनों से। कोई ठंडे से नहीं करता तो भाप से और अम्ल से करता है, और कोई दोनों से नहीं करता तो केवल अम्ल से करता है, ऐसा भी है। ठीक है, कैडमियम तथा टीन, टीन मतलब स्टेनम, ठीक है, एसएन जो लिखते हैं, इसी प्रकार की धातुओं के उदाहरण है। अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापन के कुछ उदाहरण हम यहां पर देख लेते हैं। ये देखिए, जिंक है, HCl के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड बना के हाइड्रोजन मुक्त करता है, तो जिंक 0 से -2 में आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन -1 है, यहां पर हाइड्रोजन 0 हो गया। क्लोराइड -1 है, यहां पर -1 ही है, तो यहां पर जिंक का और हाइड्रोजन का यहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन हुआ। मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है, आयरन आयरन क्लोराइड, यानी कि ये हो गया फेरस क्लोराइड, क्योंकि धन 2 है, धन 2 फेरस होता है, धन 3 फेरिक होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो अभिक्रियाएं हैं 37, 38, 39 अभिक्रियाएं प्रयोगशाला में डाई हाइड्रोजन गैस तैयार करने में उपयोगी है। हम प्रयोगशाला में किसी कार्य के लिए हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करना चाहते हैं तो हम अम्लों की अभिक्रियाएं इन धातुओं के साथ कराते हैं। इनमें सबसे सस्ती धातु तो जिंक ही है, अगर जिंक को HCl में डालेंगे तो आराम से वो हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन गैस के निकास की गति धातुओं की सक्रियता की परिचायक है। जो आयरन जैसी कम सक्रिय धातु में न्यूनतम, मैग्नीशियम जैसी अत्यंत सक्रिय धातुओं के लिए उच्चतम होती है, सिल्वर गोल्ड आदि धातुएं जो प्रकृति में प्राकृत अवस्था में पाई जाती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी क्रिया नहीं करती है। देखिए, जो चांदी है, सोना है, ये प्रकृति में लगभग मुक्त अवस्था में मिलती है, तो इनकी क्रिया अगर अम्ल से करेंगे HCl से तो अभिक्रिया नहीं करती। हाँ, HNO3 से करती है, HNO3 से H2SO4 से थोड़ी बहुत क्रिया करती है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा दिया है। ठीक है, खंड मतलब पिछले खंड में जो अभिक्रियाएं हम देख रहे थे कि कॉपर के विलयन से जिंक ने कॉपर को हटाया, सिल्वर के विलयन से सिल्वर कॉपर ने हटाया उसको। इस खंड में हम चर्चा कर चुके हैं कि जिंक कॉपर तथा सिल्वर धातुओं की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उनका अपचायक क्रियाशीलता क्रम जिंक से कम कॉपर, कॉपर से कम सिल्वर है, क्योंकि सिल्वर को कॉपर हटाता है और कॉपर को जिंक हटाता है का मतलब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी देते हैं, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। धातुओं के समान हेलोजनों की सक्रियता श्रेणी का अस्तित्व है। ठीक है, आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में फ्लोरीन से आयोडीन, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तक नीचे जाने पर इन तत्वों की ऑक्सीकारक क्रियाशीलता शिथिल होते जाती है। अब इस बात को समझ लीजिए क्या लिखा है। ऑक्सीकारक क्रियाशीलता का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींच करके सामने वाले को ऑक्सीकृत करना, खुद अपचयित होना।
तो मैंने कहा था कि खींचने की क्षमता जो है फ्लोरीन में सबसे ज्यादा है, ऊपर से नीचे जाएंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तो खींचने की क्षमता कम होती है, तो सामने वाले को ऑक्सीकृत करने की क्षमता भी कम हो गई। समझ रहे हैं ना, ये इसका अर्थ यह हुआ कि फ्लोरीन इतनी सक्रिय है कि यह विलयन से क्लोराइड ब्रोमाइड या आयोडाइड आयन विस्थापित कर सकता है। ठीक है, ठीक, मतलब ये खींच लेगा बाकी से। वास्तव में फ्लोरीन की सक्रियता इतनी अधिक है कि यह जल से क्रिया करके उससे ऑक्सीजन विस्थापित कर सकता है। देखिए तो बोला कि H2O से क्रिया करेगा फ्लोरीन तो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ऑक्सीजन को मुक्त करा देगा, नहीं तो ऑक्सीजन को और कोई मुक्त नहीं कराता इस तरह से। ठीक है, यही कारण है कि क्लोरीन ब्रोमीन तथा आयोडीन की फ्लोरीन द्वारा विस्थापन अभिक्रियाएं सामान्यतः जलीय विलयन में घटित नहीं होती, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेता है देता नहीं। दूसरी ओर ब्रोमाइड तथा आयोडाइड आयनों को उनके जलीय विलयन से क्लोरीन इस प्रकार विस्थापित कर सकते हैं। अब देखिए कि क्लोरीन को अगर पोटेशियम ब्रोमाइड में डालोगे, ध्यान रखेंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन है ना, तो ध्यान से देखिए, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ रही है, थोड़ा ध्यान से समझना है ना। तो यहां पर आप देखिए कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है, तो क्लोरीन जो है ब्रोमीन के जगह खुद इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ब्रोमीन को मुक्त कर देगा। समझ रहे हैं बात को, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है, तो जहां पर ब्रोमीन से कोई मतलब ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींचा हुआ है, पकड़ के रखा है खींच के इलेक्ट्रॉन, उसको बोलेगा तुम चले जाओ मैं खींच के रखता हूं, मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, ऐसा फिर वो खींच लेगा ब्रोमीन मुक्त हो जाएगा। ये देखिए इस में देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड में ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन खींच के रखा है, अब क्लोरीन के खींचने की क्षमता ज्यादा है ब्रोमीन से, इसलिए ब्रोमीन को हटा के खुद खींच के बैठ जाएगा, ये देखिए, और ब्रोमीन मुक्त हो जाएगा, मतलब ऑक्सीकृत हो गया। ठीक है, ये देखिए, और उसके बाद ब्रोमीन जाके आयोडीन है, तो आयोडीन की अपेक्षा भी ज्यादा खींचता है, तो आयोडीन के जगह भी खींच के बैठ जाएगा, ये देखिए आयोडीन खींचा हुआ है, उसी जगह खुद खींच लेगा और आयोडीन को मुक्त कर देगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम होती है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देता है और खुद खींच के बैठ जाता है, उसको विस्थापित कर देता है। ब्रोमीन तथा आयोडीन के रंगीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय होने के कारण इनको विलयन के रंग द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। ये इनके रंग जो है ब्राउन ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, उपरोक्त अभिक्रियाओं को आयनिक रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो क्लोराइड था पहले अनआयन था, कोई आयनिक नहीं था, ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन था, तो क्लोरीन उसके जगह क्लोराइड आयन बन गया और ब्रोमीन मुक्त हो गया। ठीक है, वैसे आयोडाइड आयन था उससे जगह क्लोराइड आयन बन गया और आयोडीन अलग हो गया। ठीक है, क्लोरीन पहले आयनिक नहीं था, वो क्लोराइड आयन बन गया। ठीक, प्रयोगशाला में ब्रोमाइड तथा आयोडाइड की परीक्षण विधि जिसका प्रचलित नाम परत परीक्षण या लेयर टेस्ट है का आधार अभिक्रियाएं 8.41 तथा 8.42 है। इन सभी अभिक्रियाओं में आपने देखा कि एक आयन अवस्था में था दूसरा नहीं था तो वो बदल गया, वो आयन अवस्था में आ गया, वो मुक्त रूप में आ गया। ये सभी अवस्थाएं, ये सभी रिएक्शन है जो लेयर टेस्ट का बेस है। यह बताना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इसी प्रकार विलयन में ब्रोमीन आयोडाइड आयन का विस्थापन कर सकते। तो जो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है वो पहले वाले बाद वाले को विस्थापित कर सकते हैं, सीधा सा मतलब है। तो ब्रोमीन चूंकि आयोडीन से पहले आता है इसलिए वो आयोडीन को विस्थापित कर देगा और खुद उसके जगह पहुंच जाएगा, शुरू वाला दूसरे वाले को विस्थापित कर देता है।
हेलोजन विस्थापन की अभिक्रियाओं का औद्योगिक अनुप्रयोग होता है, हैलाइडों से हेलोजन की प्राप्ति के लिए ऑक्सीकरण विधि की आवश्यकता होती है, जिसे निम्न अभिक्रिया से दर्शाते हैं। तो ये देखिए, ये हैलाइड अवस्था में है, इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो ये मुक्त अवस्था में मिल जाएगी। तो एक्स जो है हेलोजन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। यद्यपि रासायनिक साधनों द्वारा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को ऑक्सीकृत करने के लिए शक्तिशाली अभिकारक फ्लोरीन उपलब्ध है, परंतु फ्लोराइड को F2 में बदलने के लिए कोई भी रासायनिक साधन संभव नहीं है। देखिए, हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को मुक्त कराने के लिए फ्लोरीन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फ्लोराइड को मुक्त कराने के लिए इसके ऊपर कोई नहीं है। तो फ्लोराइड से फ्लोरीन प्राप्त करने के लिए केवल विद्युत अपघटन द्वारा ऑक्सीकरण ही एक साधन है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करेंट द्वारा इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्योंकि कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। आप समझिए बात को, हम आयोडीन को मुक्त कराना चाहते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से कोई भी इसको दे सकता है। ब्रोमीन को मुक्त कराना चाहते हैं तो फ्लोरीन या क्लोरीन में से कोई दे सकता है। क्लोरीन को मुक्त कराना चाहते हैं तो फ्लोरीन दे सकता है, लेकिन अब फ्लोरीन को मुक्त कराना चाहते हैं तो कौन देगा, इसके ऊपर तो कोई नहीं है। तो फिर हम इसके लिए विद्युत अपघटन का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक करेंट द्वारा उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो फिर फ्लोरीन मुक्त हो जाता है। ठीक है, उस इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे बाकी, ठीक है।